फ्यू ईयर्स बैक मैं भी थोड़ा लेफ्ट आउट फील करता था। आई वॉन्टेड टू गेट नोटिस बैडली, मेरा मन करता था कि कोई मुझे भी नोटिस करे, और लाइमलाइट में आने का बहुत मन करता था, और मेरे ही क्यों सबका मन करता है यार कि कोई हमें नोटिस करे। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू कैरी योर सेल्फ। ओनली इफ यू वॉन्ट देन यू कैन लुक अट्रैक्टिव। यू जस्ट हैव टू बी अ बिट पेशेंट एंड अ बिट पॉजिटिव। सो हेलो गाइज एंड गर्ल्स, आई एम अपार शर्मा एंड आई एम बैक विद माई न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ कैन यू लुक अट्रैक्टिव एंड हाउ कैन यू गेट नोटिस्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो जस्ट आफ्टर द इंट्रो। नंबर वन ऑन माई लिस्ट इज गेटिंग अ न्यू हेयर कट। सिंस इट इज गोइंग टू बी अ न्यू एंड अ फ्रेश स्टार्ट, देन यू नीड टू हैव अ न्यू हेयर कट एज वेल। आपको अपना यूजुअल बोरिंग हेयर कट स्किप करना पड़ेगा, अपना पुराना हेयर स्टाइल स्किप करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू ऑप्ट फॉर अ न्यू वन। एंड अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है न्यू हेयर स्टाइल चूज करने में, देन क्विफ, पॉम्पेडोर, फ्रिंज, अंडरकट, स्लिक बैक, हजारों तरीके के हेयर स्टाइल्स हैं। आप गूगल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप आप कोई सा भी हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो टू लुक फ्रेश एंड अट्रैक्टिव। हेयर कट कराने के पीछे दो सिंपल लॉजिक्स और रीजंस हैं। नंबर वन, एक तो जो आपके पुराने बाल थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, एंड नंबर टू, जो आपका फेस पहले स्क्वीज्ड अप था पुराने हेयर स्टाइल से, अब वो एकदम से ग्रो आउट होगा, एकदम से निकल जाएगा, सो योर फेस वुड ऑल्सो गेट मोर विजिबिलिटी। सो इफ यू आर स्टिल कन्फ्यूज, देन माई एडवाइस वुड बी दैट यू नीड टू विजिट द बार्बर शॉप नियर यू एंड गेट योर हेयर कट डन। उससे आपका अपीयरेंस भी बेटर हो जाएगा एंड यू विल लुक अट्रैक्टिव। नंबर टू ऑन माई लिस्ट इज योर फेस केयर। सबसे पहले जब आप किसी को देखते हो तो सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है ये एरिया, दैट इज आवर फेस। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस हो रही है उस चीज़ को सबसे पहले हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स हमारा फेस अगर सबसे पहले नोटिस होता है तो सबसे ज़्यादा केयर और सबसे पहले केयर आपको अपने फेस की करनी है। सो अपने फेस को डीपली क्लेंस करो, उसको हमेशा साफ रखो, क्लीन रखो, एंड चूज द राइट प्रोडक्ट फॉर योर फेस, चूज द राइट फेस वॉश। और रेफरेंस में आप हमारे पुरानी वीडियोस जो हमने स्किन केयर और फेस केयर पे बनाई थी वो भी आप देख सकते हो, एंड यू नीड टू फॉलो अ प्रॉपर रूटीन फॉर योर फेस। देन फेस केयर से ही रिलेटेड है फेस ग्रूमिंग, विच इंक्लूड्स शेविंग, ट्रिमिंग, अप्लाइंग बियर्ड ऑयल, थ्रेडिंग, यूजिंग ट्वीजर्स टू गेट योर आईब्रो सेटल्ड, और फेयरनेस क्रीम लगाना, ये सब फेस ग्रूमिंग में इंक्लूड होता है। ये सारी चीज़ें हमेशा ऑन पॉइंट होनी चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू गेट बेटर रिजल्ट। एंड मैं आपको बता दूं कि बियर्ड प्लेज एन एमिनेंट रोल व्हाइल वी टॉक अबाउट फेस। बियर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम फेस की बात करें तो। सो बियर्ड ऑयल रेगुलरली आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप बियर्ड रखते हो तो, और अगर स्टबल रखते हो तो रेगुलरली ट्रिम करवाना चाहिए। यू नीड टू लुक डैपर एंड नीट। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरीज या प्रॉब्लम्स है फेस से रिलेटेड आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय द टाइम यू नीड टू टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ योर फेस। टाइम के साथ साथ फैशन और ट्रेंड्स भी चेंज होते रहते हैं, और उसी चेंज के हिसाब से हम लोग अपने आप को मोल्ड करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। जो चीज़ सपोजिंगली ओल्ड फैशन है वो आज हम नहीं पहनते हैं क्योंकि हमें पता है कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, इसीलिए हम वही पहनते हैं जो ट्रेंडिंग है, जो फैशन में है। सो नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज द फैशन एंड द फिट। अब सपोजिंगली मेरे को जैसे पता है कि आजकल प्रिंटेड टी शर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं चल रही हैं जितनी स्ट्राइप टी शर्ट्स चल रही हैं। सो मेरा भी मन करेगा कि मैं प्रिंटेड टी शर्ट को स्किप करके स्ट्राइप टी शर्ट्स पहन लूँ। सो मैंने प्रिंटेड टी शर्ट को फाइनली स्किप करके स्ट्राइप टी शर्ट ऑप्ट कर ली है। तो दिस इज फैशन, कुछ टाइम पहले कुछ था और अब कुछ है। अब जितना जल्दी मैंने चेंज किया इतनी जल्दी भी चेंज नहीं होता फैशन, बट कहने का मतलब ये है कि विद टाइम आपको फैशन के हिसाब से अपने आप को बदल लेना चाहिए, एंड जो भी लेटेस्ट फैशन है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए टू लुक बेटर। शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जितने भी आउटफिट्स हैं सारे फैशन के हिसाब से आपको बदल लेने चाहिए। एंड फिटिंग, फिटिंग प्लेज एन एमिनेंट रोल, ये मैंने आपको हमेशा बताया है। जितने भी आउटफिट्स हैं आपके सारे फिटिंग के हिसाब से पहनने चाहिए। लूज फिटिंग किसी पे भी अच्छी नहीं लगती है। इफ़ यू वॉन्ट टू लुक अट्रैक्टिव देन यू शुड वेयर फिटेड क्लोथ्स। फैशन नॉट जस्ट इंक्लूड्स क्लोथ्स बट ऑल्सो एक्सेसरीज और शूज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड कभी लड़की किसी लड़के को जज करती है, नोटिस करती है तो शूज के बेसिस पे ही करती है। और बड़ा कॉमन सा लॉजिक है, अगर कोई आपको ऊपर से नीचे देख रहा है तो भी शूज नोटिस होंगे, और अगर कोई आपको अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो भी शूज नोटिस होंगे। सो माई एडवाइस टू यू इज यू नीड अ गुड पेयर ऑफ शूज
if you want to rock your style. Hello guys and girls, I am Apar Sharma and I am back with my new video. ये दो सिचुएशन जो मैंने आपको दिखाई थी, ये थी बेस्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल. अब ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि आप सिचुएशन वन में लाइक करते हो या सिचुएशन टू में. डोंट बी अ जर्क. अगर आपको कुछ कहने का मन है, सो वेयर इज योर कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. मोस्ट ऑफ यू वुड प्रेफर सिचुएशन नंबर टू, जिसमें मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था. सो प्लीज, इफ यू वॉन्ट टू लुक अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है. हर चीज सिर्फ शक्ल या पर्सनैलिटी नहीं होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करने के लिए. एंड मैं बता दूं कि जो लोग अंडर एस्टिमेटेड फील करते हैं या डबल माइंडेड फील करते हैं, नेवर फील कन्फ्यूज एंड डबल माइंडेड. प्लीज बी कॉन्फिडेंट. कोई चीज करने का मन है तो उसको करो, पॉजिटिव रह के करो एंड कॉन्फिडेंट रह के करो. नेवर थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. आप जरूर ये सोचते होंगे कि यार ऐसा बोल दूंगा तो वैसा ना हो जाए या वैसे बोल दूंगा तो वैसा ना हो जाए. तो प्लीज ये मत सोचो, सिर्फ ये सोचो मुझे क्या बोलना है और कैसे बोलना है. लास्ट ऑन माई लिस्ट इज अ फैंटास्टिक येट स्वीट फ्रेग्रेंस. अब वो टाइम नहीं है कि डिओड्रेंट लगाने के बाद आसमान से परियां गिरेंगी या फिर लड़कियां आपके पीछे पागलों की तरह भागने लग जाएगी. ऐसा सिर्फ और सिर्फ एड्स में होता है या इमेजिनेशन में होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता. अगर आपको लगता है डीओ लगाने से परियां नीचे गिर जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा. अ गुड फ्रेग्रेंस मेक्स द मोमेंट प्लेजेंट. एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का डीओ लगाया हुआ है. या तो आप मोमेंट को स्पॉइल कर दोगे या फिर आप मोमेंट बना भी सकते हो. बड़ी नेचुरल सी बात है, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, किसी से कन्वर्सेशन बिल्डअप कर रहे हो, तो आपने जैसा भी डीओ लगाया, जैसा भी परफ्यूम लगाया है, वैसी स्मेल उसको आएगी. हो सकता है बहुत गंदी स्मेल है या फिर हो सकता है बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस भी है. अगर आप में से अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस आ रही है तो नेचुरल सी बात है आपका इंप्रेशन भी सामने वाले पे अट्रैक्टिव ही प्लेस होगा. सो यू मस्ट गो फॉर राइट कोलोन स्प्रेज फॉर यू. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नहाना धोने छोड़ दो, वो अपनी जगह है, बट कोलोन का काम कोलोन ही करता है. सो गाइज, आई एम थ्रू विद ऑल माई पॉइंट्स. अब मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए ऑन हाउ टू लुक अट्रैक्टिव, बिकॉज आई हैव शेयर्ड ऑल द कंटेंट दैट आई हैड विद माई सेल्फ. और अच्छा सभी दिखना चाहते हैं, देन व्हाई डोंट ट्राई दीज टिप्स. सो इन टिप्स को फॉलो करो, इस वीडियो को शेयर करो, दूसरे लोगों को भी अट्रैक्टिव लगवाओ एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करो. हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करो, और जो नीचे बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा देना, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी अपलोड आवर new videos. और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना. हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अर्बन गबरू मेंस लाइफस्टाइल. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे सेक्सी. अर्बन गबरू आउट.